जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी मित्रों को। मित्रों, आज हम आप इस वीडियो में आपको कुंडली के एक बहुत ही ज़्यादा खराब दोष के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको हम सभी काल सर्प दोष के नाम से जानते हैं। सभी लोग घबराते हैं कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है, क्या होगा, कैसे होगा, इसका क्या अर्थ है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि काल सर्प दोष केवल एक प्रकार का नहीं होता, ये 12 प्रकार का होता है। 12 प्रकार का काल सर्प दोष होता है कुंडली में। अब उन 12 प्रकार में से यदि हमारी कुंडली में है तो केवल एक प्रकार का होगा, और जितने भाव हैं, 12 भाव हैं, तो 12 भाव का काल सर्प दोष हो सकता है, और 12 ही इसके अलग अलग नाम होते हैं। यदि लग्न में और सप्तम भाव में राहु केतु बैठे हों और सारे ग्रह इनके बीच में फंस जाएं, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह फंस गए या केतु या राहु के बीच में आ गए, तो यह अनंत नाम का काल सर्प दोष होता है। सबसे पहले भाव में राहु या केतु राहु होगा और सप्तम भाव में होगा केतु। दूसरे भाव में यदि राहु और केतु होते हैं तो एक कुलिक नाम का होता है। राहु दूसरे भाव में होता है, केतु अष्टम भाव में होता है, सारे ग्रह इनके बीच में फंसे होते हैं। ऐसे ही तीसरे और नवम भाव का नाम होता है वासुकी। तीसरे जो तीसरा भाव होता है, इस पर वासुकी नाम का काल सर्प दोष लगता है। चौथा भाव होता है माँ का, धन का, आगे आपको बताएंगे, अभी आपको नाम बता रहे हैं केवल। चौथे भाव पर यदि लगता है तो इस काल सर्प दोष का नाम होता है शंखपाल। पांचवे भाव पर यदि लगता है तो इसका नाम होता है पद्म। छठे भाव में, हमारी कुंडली के किसी के छठे भाव में लगा हो तो इसका नाम होता है महापद्म। महापद्म नाम का काल सर्प दोष लगा है। सप्तम भाव में यदि काल सर्प दोष लगता है, इसका अर्थ क्या हुआ, सातवें भाव में राहु है और लग्न में सबसे पहले भाव पर बैठा है केतु, और सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में फंस गए हैं। आपको हम बता चुके हैं काल सर्प दोष तभी लगता है जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में फंस जाते हैं। तो सप्तम भाव में है राहु और लग्न में बैठा है केतु, तो इसका नाम होता है तक्षक नाम का काल सर्प दोष। यह तक्षक नाम का काल सर्प दोष होता है, यह भी बहुत ज्यादा घातक होता है, बहुत बुरा होता है ऐसा काल सर्प दोष। अष्टम भाव में यदि राहु बैठा है और दूसरे भाव में केतु बैठा है तो इसको कहते हैं घातक, या फिर कारकोटक भी कहते हैं इसे। नवम भाव हमारे भाग्य का, पिता का भी माना जाता है, नवम भाव हमारे धर्म का, भाग्य का होता है। इस पर राहु बैठ जाए और तीसरे भाव पर बैठ जाए केतु, तो इसको कहते हैं शंखपाद नाम का। शंखपाद नाम का यह काल सर्प दोष होता है, यह भी बहुत ज्यादा घातक होता है। दशम भाव पर यदि राहु बैठ जाए और चतुर्थ भाव पर बैठ जाए केतु और सारे ग्रह इनके बीच में फंस गए हैं, तो इसको कहते हैं घातक नाम का काल सर्प दोष। इसी प्रकार 11वें भाव में आ जाए राहु और पंचम भाव में आ जाए केतु, इसे कहते हैं विषाक्त नाम का काल सर्प दोष। और 12वां भाव हमारी कुंडली में सबसे आखिरी होता है। 12वें भाव पर यदि राहु आ जाए और छठे भाव पर आ जाए केतु और सारे ग्रह इनके बीच में फंस जाएं, तो इसे कहते हैं शेषनाग नाम का काल सर्प दोष। शेषनाग नाम का यह काल सर्प दोष होता है। अब आपको हमने बता दिया कि काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है, और जितने भी प्रकार का काल सर्प दोष होता है इसके अलग अलग परिणाम निकलते हैं। यदि अनंत नाम का काल सर्प दोष है, अलग परिणाम होगा। कुलिक का अलग होगा, तक्षक का, वासुकी का, शंखपाल, शंखपाद, पद्म, इन सब का अलग अलग प्रभाव होता है। आपको केवल अभी एक ये बता देते हैं, यदि अनंत नाम का काल सर्प दोष हुआ तो राहु हो गया लग्न में सबसे पहले भाव पर और सप्तम भाव पर हो गया केतु और सारे ग्रह राहु केतु के बीच में फंस गए, तो यह बहुत ज्यादा खराब होता है, इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पंचम भाव पर राहु की दृष्टि हो गई। पांचवा भाव होता है हमारी पढ़ाई का, हमारे पेट का, हार्ट का, हमारे संतान का, पढ़ाई खराब कर देगा, इन सब चीज़ों में परेशानी लाएगा। विवाह में, शादी में, विवाह समारोह में परेशानी आएगी, रिश्ते में परेशानी आएगी, विवाह हो जाने के बाद लड़ाई झगड़े होंगे उसमें परेशानी आएगी। और नवम भाव पर यदि नवम भाव भी खराब होता है अनंत वाले से, अनंत जो काल सर्प दोष होता है, इससे नवम भाव भी खराब होता है, जो हमारे भाग्य का होता है, किस्मत का होता है, नवम भाव भी सब खराब हो जाता है।
इसीलिए कहते हैं कि काल सर्प दोष की पूजा करा लेनी चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने आपको केवल काल सर्प दोष के नाम बताए कि कितने प्रकार का होता है। इसका परिणाम हम आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका क्या क्या परिणाम निकलता है। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है और हमारे चैनल की और भी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।